ये परिवर्तन का नायक अरुण कुमार नहीं, प्रतीक अरुण कुमार होंगे। वो तो कहेंगे कि दाएं मत झाके, बाएं मत झाके, सीधे चलिए कोल्हू के बैल की तरह। तो इस बार कोल्हू के बैल की तरह नहीं कोई चलेगा, सब लोग आंख खोल करके देखेगा। तो कभी लोग पूछते हैं कि इनको टिकट मिल जाता तब तो ये ठीक दिखते, सारी बात ठीक होती, बिल्कुल ठीक दिखते। जहानाबाद में क्या होगा ये तो अभी भीड़ बता रही है, इनका उपस्थिति बता रहा है। यहाँ के साथियों ने कहा कि पिछले बार गलती हुई थी, गलती नहीं होगी, आप आइए और तीसरी धारा ही सबसे बड़ी धारा होगी। जिस दिन वो पलटी मारे उसी दिन हम समझ गए कि हमारे तेवर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ षड्यंत्र करेंगे हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए। संकट के दौर से गुजरा था और जो परेशान था एक महीने में परेशानी से बाहर निकला और नतीजा जो होगा, आज लड़ाई सबको हमसे है। उन्होंने कहा कि गलती हमसे हुई कि जहानाबाद के आप शान हैं और हम लोगों ने समझा नहीं, या आपके अहंकार के वजह से। 40 वर्ष से हम राजनीति में हैं, संसदीय जीवन में, तो ये विश्वास दिलाता हूं कि अरुण कुमार के किसी भी कर्म से आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य में इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, तो क्या बोलेंगे? अपने पाप को तो मोदी जी के नाम पर छक लेना चाहेंगे। जो सफेद पोष नेता हैं, ये बंडी या कुर्ता पहन करके जो कुकर्म अंधेरे में करते हैं और ऑफिसर जो करते हैं, उनको राज्य सरकार बचा रही है। राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार बचा रहे हैं। लोग नीतीश कुमार से पूछेगा कि 14 वर्ष पहले जो हमीद नगर बांध बन गया वो क्यों नहीं नहर में पानी आया। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता